এই মুহূর্তে সব থেকে বড় খবর হলো দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে ইডির আধিকারিকরা গ্রেপ্তার করেছে। দেখুন সেই সব দৃশ্য। प्रथम दृष्टया जिस तरह से पुलिस अंदर है और मुख्यमंत्री जी के निवास में किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी के यहाँ रेड मारी गई है और उनके मन में क्या है ये नहीं मालूम, बट ऐसा दिखता है कि मुख्यमंत्री जी को गिरफ्तार करने की पूरी तैयारी है। ये बिल्कुल साफ है कि क्या हो रहा है। ये दिख रहा है कि आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है ईडी को कि समन्स क्यों ना क्वाश किए जाएं। आज ही हाई कोर्ट ने नोटिस दिया है कि क्यों अरविंद केजरीवाल को इंटरिम रिलीफ ना मिले, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट के फैसले का इंतजार किए बिना आज ही ईडी अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने पहुंच गई है। क्यों? ये साफ दिखाता है कि एक राजनीतिक साजिश है। ये साफ दिखाता है कि ईडी के पीछे से छुपकर भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को पता है कि अगर पूरे देश में कोई एक नेता है जो उनको चैलेंज कर रहा है वो नेता अरविंद केजरीवाल है। देखिए, ये बिल्कुल साफ है कि ईडी और भारतीय जनता पार्टी जो उनके मालिक हैं कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं। अगर वो कोर्ट का सम्मान करते तो आज ही धमक बढ़ने की क्या जरूरत थी? जब कोर्ट ने नोटिस दे दिया तो वो क्यों इस फैसले का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? तो ये बिल्कुल साफ है कि ये राजनीतिक साजिश है और वो अरविंद केजरीवाल